नमस्कार, चुनाव हरियाणा का है और आप अपने पसंदीदा चैनल हरियाणा न्यूज के चुनावी स्टूडियो के जरिए लगातार ग्राउंड जीरो से इस पूरे चुनाव का हाल देख रहे हैं। हमारा ये चुनावी स्टूडियो लगातार तमाम हलकों में पहुंच रहा है, तमाम कद्दावर नेताओं से आपको मिलवा रहा है और दिखा रहा है कि इस बार चुनाव में तैयारी कितनी ज्यादा है। आज हमारा ये चुनावी स्टूडियो रेवाड़ी पहुंच चुका है। अहिरवाल की राजनीति में तमाम लोगों की निगाहें टिकी है कि इस बार अहिरवाल क्या करने जा रहा है, क्या कुछ प्लान है और क्या वाकई में इस बार बीजेपी यहाँ से स्ट्रांग बनकर उभरेगी या फिर चुनौतियाँ, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि हमारी आंधी चल रही है, उस आंधी में दक्षिण हरियाणा से भी तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हालांकि 8 अक्टूबर को मिलेगा, लेकिन हमारे इस कार्यक्रम से आपको इस बात का अंदाजा जरूर हो जाएगा कि प्रदेश में सरकार किसकी बनने जा रही है, किसके दावों में कितना दम है और ग्राउंड पर मेहनत किस पार्टी के नेता की ज्यादा लोगों को पसंद आ रही है। आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं जो इस चुनावी स्टूडियो में हमारे साथ चर्चा करेंगे, तमाम सवालों के जवाब देंगे। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता कैप्टन अजय सिंह यादव और लगातार विधायक रहे हैं रेवाड़ी से। अब हालांकि पिछले टर्म में भी इनके बेटे चिरंजीव राव यहां से विधायक के तौर पर काम करते रहे, अब फिर से चुनावी मैदान में पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है और अब कितनी तैयारी है, कांग्रेस पार्टी का ओवरऑल प्लान क्या है। ओबीसी की राजनीति लगातार बीजेपी कर रही है, लेकिन ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं कैप्टन अजय यादव हमारे साथ मौजूद हैं। अजय यादव जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ पर। नमस्कार। कितनी तैयारी कांग्रेस पार्टी की है, क्योंकि हम देख रहे हैं बार बार मीटिंग्स कर रहे हैं आप लोग, लिस्ट आ नहीं रही है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई लिस्ट तो दे दीजिए, इतनी तैयारी है तो लिस्ट कहाँ अटक गई? देखिए, अभी हमने करीबन 41 सीटों का हमने बंटवारा कर दिया है, 42 सीटों का, और बाकी सीटें हमारी या तो कुछ तो आज रात को या और कुछ कल हमारी लिस्ट आएगी। और हम लोग जो हैं बड़ा माइन्यूटली जो है हमने सर्वे करवाया है, AICC ने अपना सर्वे किया है और कांग्रेस जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उन्होंने अपना सर्वे किया है और उसके आधार के ऊपर टिकटों का वितरण किया जाएगा। और मैं समझता हूं कि अभी जो 42 सीटें हमारी आई हैं उनमें से मैं समझता हूं कि 95% हम सीट जीतेंगे। अच्छा। तो मतलब आप इतने आश्वस्त हैं कि आप 95% सीटें जीत रहे हैं, जो आपने सिर्फ अभी 42 उम्मीदवारों की जो सूची है अलग अलग उसको जारी किया है उसमें से? जी। ऐसा क्यों? इसलिए कि हमने जो सिटिंग MLA थे जिन्होंने पिछली बार विपरीत परिस्थितियों में सीट निकाली, तमाम चैनल्स ये दिखा रहे थे कि 4 से 7 सीटें आएंगी, हम नहीं दिखा रहे थे हरियाणा न्यूज पे। तो हमने हरियाणा न्यूज की बात नहीं कर रहा, ये ओवरऑल जो आपके जो तमाम दूसरे वाले दिखा ऑल इंडिया लेवल के जो जैसे आज तक है हाँ। आज तक है EBP न्यूज है, NDTV वगैरह, एक या दो चैनल्स थे जिन्होंने सटीक दिए थे। और मैं समझता हूँ कि जिसकी वजह से जो 75 पार का जो नारा था इनका, तो लोगों ने समझा भी 75 नहीं तो कम से कम 45 तो ले ही जाएंगे। अच्छा। तो पिछली बार जो है हम लोगों को भी जो है अपने ऊपर हम लोग ये सोच रहे थे, आप भी डीमोटिवेट हो गए थे, आपको लग रहा था 75 शायद आ ही जाएंगे, 75 पार ये कह रहे हैं, तो लोगों के मन में शंका थी, मेरे मन में शंका नहीं थी। अच्छा, आप श्योर थे? हाँ, हम आश्वस्त थे कि हम जीतेंगे यहाँ से। और मैंने अपनी बजाय मैंने चिरंजीव राव को यहाँ से लड़ने का मौका दिया और 1317 वोटों से वो जीते, बहुत ही कांटे की टक्कर थी। मोदी जी भी आए यहाँ पर, नड्डा साहब भी आए, मुख्यमंत्री जी भी आए, खट्टर साहब, उसके अलावा आपके राजनाथ जी सिंह भी आए। और मोदी जी तो एक दिन जिस दिन चुनाव है जिस दिन चुनाव ख़त्म होना होता है उस दिन आ गए, और हमारा रोड शो था शहर में, तो हमारा रोड शो इतना मैसिव रोड शो था जिसकी मैं बात नहीं कर सकता। अभी हमने कल ही नामांकन भरा है, उसमें अपार भीड़। मैंने अपने 38 साल के पॉलिटिकल कैरियर में मैंने भी फॉर्म भरे हैं, लेकिन जितनी भीड़ कल थी
तो ऐसे लग रहा था जैसे विजय जो है जुलूस हो। अच्छा। और बड़ी भारी तो मात्रा में महिलाएं आपसे भी आगे निकल गए। हाँ, इस मामले में आगे निकल गया, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, और नौजवानों में खास तौर से बड़ा जोश था। अच्छा। लोग बदलाव चाह रहे हैं, 10 साल से जो है भ्रष्टाचार। अच्छा, लोग आप कह रहे हैं बदलाव चाह रहे हैं सरकार को लेके, लेकिन लोग ये भी पूछ रहे थे कि अगर आप सिटिंग एंड गेटिंग एमएलए को टिकट देना ही है, आपने फॉर्मूला लगाया सिटिंग एंड गेटिंग का, तो उनको पहले ही दे देते, आपने उनकी टिकटें जारी करने में भी इतना ज्यादा टाइम लगा दिया। नहीं, वो अपना अपना काम कर रहे थे। अच्छा, उनको आपने इशारा कर दिया था सबने? नहीं, जैसे हमने मैंने चिरंजीव ने आधा शहर ऑन फुट कर लिया है, एक वार्ड आज कर रहा है, और अब हम कल से कॉर्नर मीटिंग शुरू कर देंगे। मैं शहरों में करूँगा, कभी गांव में जाएंगे, कभी वो गांव में चला जाएगा, मैं शहरों में चला जाऊँगा, और मैं और भी जगह देखूँगा जहाँ पर हमारे जैसे गुड़गांव है, बादशाहपुर है, पटौदी है, जहाँ पर मुझे जाना पड़ा वहाँ भी मैं जाऊँगा, और जाके कोशिश करेंगे कि जो हमारे जो उम्मीदवार हैं उनकी जाके मदद कर सकें। और BCA वालों को भी हमने, मैंने 4-5 नाम दिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि उनमें से उन लोगों को जो है टिकट मिलेगी। अच्छा, मतलब आपने भी रिकमेंडेशन की है? हाँ, रिकमेंडेशन तो मैंने की है। इतने उम्मीदवार अभी तक कैप्टन साहब आप लोगों ने उतारे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की फुल चल रही है, उनके अलावा कुछ ज्यादा झलक देखने को मिल रही है? देखो जी, ये लोगों का अपना अपना परसेप्शन है। कांग्रेस पार्टी जो है, जिस तरीके से हमने आप देखिए, जो 9 सीट निकाली हमने, उसमें भी आप देखेंगे कि ज़्यादातर ऐसे फेसेस हमने दिए हैं जो बेस्ट पॉसिबल हो सकते थे। जैसे बादशाहपुर और जो गुड़गांव सीट है वो चैलेंजिंग सीट्स है, लेकिन वहाँ पर भी हमने जो कैंडिडेट जो वहाँ उतारे हैं, हाँ, यंग के, दोनों यंग कैंडिडेट्स हैं, और कुलदीप शर्मा तो वेल नोन फेस था, उनको दिया गया है, और परमवीर सिंह भी जो हैं टोहाना से, उनको टिकट दी है, लास्ट टाइम वो नहीं बन पाए थे। तो कुल मिला के जो है, जो हमने पूरा बैलेंस रखा है, उसमें हमने यंग भी लोग भी रखे हैं। ऐसा नहीं कि हुड्डा साहब की चली है सर? देखो साहब, मैं ये तो बात नहीं बोलूँगा, CEC की मोहर लगी है तो उसमें एक आदमी की बात नहीं होती है। CEC का जो है वो उनका खुद का अपना वर्किंग है उनकी, वो किस तरीके से वो उन्होंने आकलन किया है, उन्होंने किया होगा। आप कह रहे हैं कि बहुत डिटेल्ड आपने एक एक कैंडिडेट पे पूरा सर्वेज और तमाम फैक्टर्स को देखा, लेकिन ऐसा क्या रहा कि आपको उस तमाम चीज़ों को एनालाइज करने के बाद भी दागी चेहरों को ही टिकट देने की जरूरत पड़ी? नहीं, दागी चेहरा तो मेरे ख्याल से, सुरेंद्र पवार तो जेल से चुनाव लड़ेंगे। कौन जी? सुरेंद्र पवार। नहीं, सुरेंद्र पवार देखिए, ऐसा है, ED और CBI इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर इस तरीके से हम अगर टिकट काटने लग जाएंगे तो इस, तो मेरे ख्याल से कोई बचेगा ही नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे भी ED का जो है वो दबाव है, दान सिंह के ऊपर जो है इनकम टैक्स और ED का है, और धर्म सिंह चोकर के ऊपर है, तो ये तो एक इनके पास हथियार है, ये एक तरीके से BJP का एक तरीके से पॉलिटिकल जो है विंग्स बन गई हैं। जैसे हमारे यहाँ महिला कांग्रेस है, यूथ कांग्रेस है, OBC का चेयरमैन है, ऐसे ही एक विंग बन गए हैं। अच्छा, मतलब BJP के पास ED, BJP, CBI, हाँ, वो इनके विंग हैं, वो इनके विंग के तौर पे काम कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी या शाह मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा, तो मतलब आप कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बिल्कुल क्लीन चिट देते हैं, कोई ED के तमाम मामले चलते रहे लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्लीन चिट है? देखो, क्लीन चिट तो कोर्ट देते हैं, और पार्टी भी तो देखते हैं, पार्टी की तरफ से ये है कि ये इन पे जो है राजनीतिक द्वेष भावना से कार्रवाई की गई है। हाँ, वैसे कोई और गलत तरीके नहीं, वैसे कोई गलत तरीका नहीं। आप लोग लिस्ट जारी नहीं कर रहे हैं तो कांग्रेस वाले नेता तो बहुत ज्यादा बेचैन हैं, बेचारे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भाई हम करें क्या। कुछ नेता तो ऐसे हैं जो बिना टिकट मिले ही पर्चा भरा है जाकर। जिन लोगों ने पहले तैयारी कर रखी है, जिन लोगों ने जमीनी तौर पे काम कर रखा है, जाहिर तौर पे वो तो उनको समय की जरूरत को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिस दिन नामांकन मिलेगा उसके बाद जो है अपना नामांकन भरेंगे, और जिन्होंने विड्रॉ करना है विड्रॉ कर लेंगे, और जिन लोगों ने जमीनी तौर पे काम नहीं किया उनको बेचैनी होनी चाहिए। आपके नेताओं ने किया है जमीनी तौर पे काम? नहीं, हमारे यहाँ जैसे OBC की
हमने पिछला वर्ग चौपाल हमने करीब 8-9 जिलों में की थी हमने, फिर एकदम से एक महीना पहले इलेक्शन डिक्लेयर हो गए और हिसाब बताओ वो अभियान चलाया विपक्ष आपके द्वार पे, उसमें हमने प्रोग्राम किए, शैलजा जी ने कुछ यात्राएं करी, दीपेंद्र हुड्डा ने भी कुछ यात्राएं करी, तो सब ने मिलकर हम लोग पहले से ही हम लोगों ने मोबिलाइज कर रखा था। मतलब आप लोग तैयार थे कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए सरकार बनाने का मौका किसी भी कीमत पे हम लोग गवाएंगे नहीं। सरकार तो हमारी बननी है। देखो जो नॉर्मल जो सर्वे आ रहा है उसमें 55-60 दिखा रहे हैं, लेकिन बीजेपी तो इंतजार कर रही है आप कब टिकट बांटे, आपके नेता बागी हो, बगावत हो और गेम पलट जाए। बीजेपी में बगावत हो रही है, हमारे यहाँ तो अभी बगावत का कोई, हमें तो अभी कोई ज्यादा बगावत हुई नहीं है, बल्कि अभी ज्यादातर बगावत बीजेपी में हुई है। हमारे यहाँ तो सब कुछ चंगा है, बांटेंगे तो बगावत होता, सब कुछ चंगा है, सब कुछ चंगा है अब तक, सब कुछ चंगा है। लेकिन चंगा आप कह रहे हैं चंगा है, लोगों को चंगा क्यों नहीं लग रहा है? कुमारी शैलजा कभी आगे कह देती हैं कुछ, कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ कह देते हैं, कभी हम देखें चौधरी वीरेंद्र उनकी तरफ से कुछ आ जाता है, रणदीप सुरजेवाला, ये अलग 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 जो कांग्रेस पार्टी के नेता अकेले। ये हेल्दी डेमोक्रेसी है, हेल्दी डेमोक्रेसी है जिसमें हर व्यक्ति अपना अपनी बात रख सकता है। मैं भी अपनी बात रखी हमने, जब जब टिकटों का वितरण हुआ उससे पहले मुझको भी बुलाया था, मेरे से भी राय ली गई थी, मैंने अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को और जो हमारे यहाँ के लोगों की मैंने दी थी, और जिसमें मैं समझता हूँ 2-3 जगह तो जो मैंने जो मेरे इलाके की जो मैंने नाम दिए थे उनमें से उनका चयन भी हो गया है, उनको टिकट भी मिल गई है। तो बाकी तो ऐसा है कि अभी जो हमारी मेजर जो पोर्शन है जहाँ पर कई जगह जो है जहाँ पर ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं वो सीटें अभी बची हुई हैं, तो जैसे ही उनका डिसीजन आएगा फिर आपको पता लग जाएगा कि बगावत कितनी है कितनी नहीं है। देखो हर व्यक्ति जिसको टिकट नहीं मिलती वो कहता है कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, और मुझे पूर्ण भरोसा है, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बता दूंगा जिस दिन लिस्ट पूरी आ जाएगी, मैं आपको एग्जैक्ट लिस्ट बता दूंगा। अगर मेरिट के आधार पे बाकी टिकटें दी तो 70 पर आरम्भ करेंगे। अच्छा। अगर जो है 10-12 की हेर फेर हुआ जिसमें 10-12 टिकटें अगर ठीक तरीके से नहीं बांटेगी तो वही 55-60 के बीच में जो सर्वे आ रहा है उसके मुताबिक काम होगा। जी तो आप कह रहे हैं 70 तक भी हम मेरिट के आधार पर अगर टिकटें मिली, हाँ, तो 70 पार। तो बीजेपी वाला 75 पार का हाल तो नहीं होगा? नहीं, हमारा देखिए वो उनका तो इनकम्बेंसी फैक्टर था। अच्छा। हमारा तो हम 10 साल से सत्ता से बाहर रहे हैं, और पिछली बार भी हमारी जो है 4 से 4 हमने अभी पार्लियामेंट के अंदर हमने 10 में से 5 सीटें ली हैं। फिर हम जो वायदे कर रहे हैं, हम जो 300 यूनिट बिजली फ्री की बात कर रहे हैं, हम लोग जो हैं 500 रुपये का गैस के सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो चुनावों से पहले ही 500 रुपये कहाँ क्यों हुआ, लागू कहाँ हुआ, लागू कहाँ हुआ, घोषणा तो कर दी कि चलिए हम 500 रुपये में भी देंगे। हम तो क्या, फिर तो सरकार तो हमारी बन रही, उनकी सरकार तो बनी ही नहीं। हम 500 रुपये का गैस का सिलेंडर देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम लोग 25 लाख का एक जो है योजना हम बनाएंगे, उसका नाम अभी जैसे चिरंजीवी योजना थी राजस्थान में उसी पैटर्न के ऊपर 25 लाख रुपये हम लोग देंगे उस उम्मीदवार जो गरीब आदमी है उनको हम के कार्ड देंगे, कहीं भी अपना इलाज कराएं, वो 25 लाख उनको कोई देने नहीं पड़ेंगे, 25 लाख तक फ्री इलाज। एक 50 गज के और 100 गज के प्लॉट हम जो है 50 गज के शहरों में और 100 गज के हम जो है देहात में प्लॉट देंगे, चाहे हमें एक्वायर करना पड़े। और इसके अलावा बुढ़ापा पेंशन, सैनी साहब तो ये कहते रहे कि भाई कांग्रेस वाले तो सिर्फ कहते ही रहे कि हम प्लॉट देंगे, लेकिन हमने तो लोगों को रजिस्ट्रियां करवा के थमा दिया। कहाँ दी उन्होंने, कहाँ दी, कितनी रजिस्ट्री, वो तो हमारे समय में जो बच गई थी उनकी बात कर रहे थे। उनने कोई ना कोई सर्वे किया ना उनने कोई रजिस्ट्रियां दी, कहाँ रजिस्ट्रियां दी हैं, मुश्किल से कहीं 100-200 रजिस्ट्री कहीं दे दी होंगी, बाकी तो 500 रुपए का सिलेंडर कह रहे थे हम जो उज्ज्वला योजना वालों को देंगे, कहाँ दिए। क्रीमी लेयर जो है उन्होंने 6 लाख से 8 लाख कर दिया, वो तो पूरे देश में लागू था, हम 10 लाख करेंगे क्रीमी लेयर, जो ओबीसी का जो क्रीमी लेयर है हम 10 लाख लेके जाएंगे, हम जातीय जनगणना करवाएंगे। जातीय जनगणना इसलिए ज़रूरी है कि गरीब और अमीर के अंदर जो पैमाना क्या होगा, पैमाना होगा किसके पास कच्चा मकान है,
किसके पास पक्का मकान है, किसके पास मोटरसाइकिल है, किसके पास साइकिल है, किसके पास रोजगार है, किसके पास रोजगार नहीं है। परिवार पहचान पत्र बनाया उसमें भी तो ये सारी डिटेल्स डालते हैं। परिवार पहचान पत्र तो उसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। जो सर्वे होता है, जो जाति जनगणना होती है, उसमें सब कुछ आता है। परिवार पहचान पत्र तो एक धोखा है। जो कास्ट सेंसस होगा उसमें बकायदा पूरा डाटा मिलेगा, किस जाति की कितनी पॉपुलेशन है, उनमें से कौन गरीब है, कौन अमीर है, किसके पास जो है साइकिल है, किसके पास BMW है, किसके पास मारुति कार है, किसके पास कच्चा मकान है, किसका पक्का मकान है, कौन शिक्षित है, कौन अशिक्षित है, कौन सामाजिक रूप से कमज़ोर है, कौन राजनीतिक रूप से कमज़ोर है, कौन आर्थिक रूप से कमज़ोर है। तो पूरा जब एक सिटी स्कैन आ जाएगा पूरे समाज का, तो उसके मुताबिक हम स्कीम बनाएंगे। आप कह रहे हैं इसका पूरा सिटी स्कैन जब हो जाएगा कास्ट सेंसस से ही होगा और तभी सॉल्यूशन मिलेगा। जब ये बीजेपी से पूछा जाता है तो बीजेपी वाले कहते हैं पहले राहुल गांधी अपनी जाति तो बताएं, वो कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं। ये तो उनकी छोटी मानसिकता है। राहुल, आपको पता होना चाहिए कि फिरोज गांधी जी को महात्मा गांधी जी ने अपना नाम दिया था, एक तरीके से गोद ले लिया था, और इंदिरा जी जो हैं, और उसके बाद वो नेहरू जी की बेटी थी, नेहरू जी के बाद इंदिरा जी आई, इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी आए। आज से पहले तो किसी ने कास्ट की बात नहीं करी। बीजेपी वाले कास्ट की बात करते हैं ना। ये अभी RSS वाले क्यों कहने लगे कि जातीय जनगणना जरूरी है, अब क्यों कहने लगे हैं? क्योंकि उनको पता है कि आज जनता की मांग ये है कि जातीय जनगणना जरूरी है, ताकि सामाजिक रूप से आपकी जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए योजनाएं बने, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनकी योजनाएं बने। तो ये मतलब है इसका। OBC को लेकर बीजेपी वाले लगातार हर मंच से ये कह रहे हैं कि हमने तो एक गरीब का बेटा CM बना दिया। OBC वर्ग से आते हैं, कांग्रेस को क्या तकलीफ है OBC वर्ग से? गरीब का बेटा CM बन गया तो कांग्रेस को अच्छा नहीं लग रहा है? किसको? हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमें तकलीफ ये है कि उनको मात्र जो है 4 महीने क्यों दिए? उनको बनाना था तो जब इसमें 2019 में जब चुनाव हुआ तभी नायब सैनिक को बना देते। 9.5 साल तक, तो 9 साल बल्कि 9 साल और 8 महीने तो आपने खट्टर साहब को रखा। अगर वो बढ़िया काम कर रहे थे उनको बदला क्यों? नायब सिंह सैनी ने घोषणा मुख्यमंत्री बन के रह गए। कोई भी जो उन्होंने घोषणा करी वो धरातल पे नहीं हुई। हमारे यहाँ बॉयज़ कॉलेज था, उसकी बिल्डिंग नहीं बनी। हमारे यहाँ बस स्टैंड की बिल्डिंग नहीं बनी। हमारे यहाँ जो है एक भी संस्था इन्होंने खोली हो तो मुझे बता दीजिए। हमने इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी बनवाई, जो अपने आप में एक मील का पत्थर है। हमने सावित्री बाई फुले के नाम से गवर्नमेंट कॉलेज गर्ल्स का बनवाया। हमने खरखड़ा गांव में गवर्नमेंट कॉलेज बनाया, पॉलिटेक्निक कॉलेज लिसाना, आपका धामलावास, सैनिक स्कूल गोठड़ा, अनेकों सब तहसीलें हमने बनाई, नहरों का जाल बनवाया हमने, रिजांगला पार्क, वार मेमोरियल, वार म्यूजियम की अगर आप भारत देखेंगे, मैं कहता हूं कि ये देश के इतिहास में मतलब कि एक तरीके से कलंक इन्होंने लगा दिया कि उसके गेट जो हैं तार तोड़ रखे हैं, शीशे तोड़ रखे हैं। और वहां मैंने DC साहब से कहा, मैंने कहा अगर मेंटेनिंग कम से कम झाड़ू तो वहां कोई लगा सकता है। रजाना पार्क के बीच में आप अगर आप यहां रुकेंगे आज तो कल जाके रजाना पार्क में हमारा वार म्यूज़ियम देख के आना आप। इतना बेहतरीन वार म्यूज़ियम बनाया था। वहाँ पर एक हमने एयरफोर्स का जहाज आया था उस पर यहाँ के मंत्री ने अपना जो है वो लगा दी। टैंक आना था, टैंक नहीं आ पाया। 114 आदमी हमारे शहीद हुए थे। तो इस 5 साल में तो चिरंजीव विधायक रहे, तो क्या सरकार ने सुनी नहीं जो भी काम करने वो के तो लिए? तो इंद्रजीत कह ही रहा था कि विपक्ष का MLA है इसलिए ये काम यहाँ नहीं हुए। तो वो क्या कर रहे थे वो बताएं, अपनी जो हैं अपनी कारगुजारियों के बारे में राव इंद्रजीत जो हैं श्वेत पत्र जारी करें, सिवाय NH 11 के, बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे के अलावा आपका NH 48 बिलासपुर के पास आप जाइए, आप घंटों में जाम में आप फंस जाएंगे। जब जयपुर हाईवे को ठीक नहीं कर पाए
पहले जयपुर हाईवे का नवीनीकरण किया करना चाहिए था, उसके बाद बनाते हैं NH 11 बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे बनाते। आप यहाँ से आप जयपुर जाएंगे, आपको कई जगह बॉटल नेक्स मिलेंगे, आज तक उसको पूरा नहीं किया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये सरकार और ये NH 11 अगर बना भी दिया और अगर बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे बना भी दिया तो फ्री में बनाया है क्या? पूंजीपतियों के हवाले कर दिया। गाँव की सड़कें देखो टूटी पड़ी हैं, आपके स्कूलों पर घास जम रही है, कई स्कूल उन्होंने बंद कर दिए, करीबन जो है 4,000 स्कूल बंद। तो लगता होगा कि भाई विपक्ष का विधायक भी तो जीत कर आया है ना, लोगों ने वोट तो दिए तो काम तो होने चाहिए। 12 करोड़ रुपए उनको दिए थे, हर गांव में उन्होंने पैसे दिए और उन्होंने तो जो है सड़क जो खराब थी उसके ऊपर भी मामला उठाया। कोविड का मामला जब आया तब उसने कोविड की ड्रेस पहन के और जहाँ कोविड के मरीज थे वहाँ तक जाने का साहस चिरंजीवी राव ने दिखाया। उन्होंने जो है अही रेजिमेंट की मांग उठाई। आपको डर नहीं लगा? आपने बोला नहीं चिरंजीव से कि नहीं नहीं, हमें तो डर लगी रहा था कि भाई कहीं इसको कुछ हो ना जाए, लेकिन देखिए आदमी में एक साहस होना चाहिए। वहाँ देख के आए, इतना बुरा हाल, वहाँ कोई खाना पूछने वाला नहीं था, ऐसे खाना रख देते थे, दूर से खाना डाल के आते थे, तो यानी कि ऑक्सीजन की कमी किससे लोग कितने मारे गए, यानी गंगा के अंदर लाशें जो हैं वो बहाई जा रही थी। तो कोविड में जो हाल हुआ, नोटबंदी की वजह से आप देखिए कह रहे थे कि गैस का सिलेंडर 200 रुपये में हो जाएगा, 920 का हो गया, 15-15 लाख रुपए मिलेंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, कितने वायदे किए थे। मोदी जी जो हैं वो कहते हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल आदमी हूँ। आप बताइए कौन कोई है इस दुनिया में नॉन बायोलॉजिकल? मैं और आप दोनों बायोलॉजिकल हैं, हमने अपनी माँ की कोख से जन्म लिया है, लेकिन दुनिया में केवल एकमात्र मोदी जी हैं जो आकाश से नीचे टपक के नीचे आए हैं और धरती पे आए हैं। और भगवान राम ने भी जन्म लिया कौशल्या की कोख से, देव की इसी कोख से भगवान कृष्ण जन्म लिया, लेकिन एकमात्र हमारे हीरो हैं मोदी जी जो कहते हैं मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ और मैं जो है सीधा और मैं 400 पार, मैं अकेला सब पे भारी। तो ला दिया 240 पे। तो अहिरवाल की राजनीति में बीजेपी कई ऐसे नेता हैं जो सोचते हैं कि मैं अकेला सब पर भारी, राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह को तो इस बार जो है आप जानते ही हो फ्री रन मिल गया था। अगर हालात दूसरे होते, मैं ज़्यादा इस पर चर्चा इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि वो बात बीत गई, टिकट तो मैं ही मांग रहा था, लेकिन समय की बात है, हमारी किस्मत में नहीं था। कॉन्स्पिरेसी कहें या क्या कहें कि कैप्टन साहब आपको टिकट नहीं मिला? देखिए ऐसा है कि मैं ये जो सीट है बेसिकली दान सिंह को भेज दिया भिवानी, वहाँ से श्रुति चौधरी की टिकट काटी और यहाँ पर राजबब्बर को ले आए, कोई दिक्कत नहीं है, हमने राजबब्बर की मदद करी। लेकिन आपने कहा ना बहुत देर से बांटी, 45,000 वोट चिरंजीव को मिली थी MLA में, राज बब्बर को 60,000 वोट मिली, फिर भी 36,000 का शॉर्टफॉल रहा। क्यों रहा? क्योंकि यादव वोट जो 4 लाख वोट है, इवन पंजाबी वोट जो है वो पूरा उनको नहीं मिला, उनके बूथों से हम हारे हैं, राज बब्बर जी उनके बूथों से हम हारे हैं, क्योंकि लोगों को भ्रम हो गया कि भाई ये राव इंद्र जी तो जीत ही रहा है, वरना 75,000 की तो फर्क था। राज बब्बर जी चुनाव बड़ा अच्छा बहुत अच्छा लड़े और हमने अच्छे तरीके से उनकी मदद करी, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सीट निकाल देंगे, इसलिए जो है भ्रम में लोगों ने और इंद्र जी जो है इसी जो एक जाल में जीवन दान मिल गया इस बार। जीवन दान तो उनका महकमा का नाम आप बता दीजिए क्या है, संस्कृति महकमा है, किस बात का जीवन दान मिला है उनको? इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह का इस्तेमाल किया, अपनी जिंदल की अभी मदर की टिकट काट दी, चौधरी वीरेंद्र सिंह का जो है आप देख लीजिए क्या हालत हुई, अभी किरण चौधरी को बना दिए राज्यसभा का मेंबर, बाद में देखते हैं क्या करते हैं। तो ये केवल सिंह के साथ आपने भी क्या किया, उनके बेटे को पहले तो लोकसभा में टिकट नहीं दी, सिटिंग MP की टिकट काट दी और फिर जब पहली सूची आई तो पहली सूची में नाम भी नहीं डाला। नहीं बाद में उनको वो दी है, बाद में दिए ना पहली सूची का जिक्र कर, टिकट
टिकट तो दिया उनको, लेकिन लोग इंतजार कर रहे थे कि कम से कम पहली सूची में तो उनका नाम शामिल होना चाहिए। अब वो तो मेरे हाथ में नहीं है, वो तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का काम है। लगता है कि कम से कम पहले में तो नाम जाना चाहिए था। जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी करती है उस पर मैं उसकी बात करूंगा। मैं अपनी तरफ से कोई बात कह दूँ तो वो ठीक नहीं होगा। अगर मैं सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के ऊपर पर्सन चेंज लगाने लग जाऊँ तो ठीक नहीं होगा। हाँ, अभी जो बाकी सीटें आएंगी, मैंने आपको पहले बता दिया, जिस दिन वो सारी सीटें आ जाएंगी आप मेरे से फोन से पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा कितनी सीटें हैं, नंबर जीते कितना नंबर आएगा। चुनाव ना लड़ने का फैसला पहले ही कर लिया था विधानसभा चुनाव नहीं, ऐसा है कि देखिए मैंने लड़ना था लोकसभा का चुनाव और मैं 2029 तक वेट करूंगा। अच्छा, मैं लोकसभा का चुनाव ही लड़ना चाहता हूँ और फिर चिरंजीव भी लड़े और मैं भी लड़ूंगा, तो ये एक अच्छा मैसेज जाता कि दोनों पिता पुत्र दोनों लड़ रहे हैं, ये था मामला। एक पिता पुत्र की जोड़ी तो और भी बहुत मशहूर है हरियाणा में। हाँ ठीक है, वो उसमें एक एमपी है और एक एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक भावी सीएम है क्या? देखिए जी, मैं इस हमारी पार्टी के अंदर एक प्रतिक्रिया होती है, उसमें विधायक पहले चुने जाते हैं, फिर वहाँ से ऑब्जर्वर आते हैं, उनके व्यूज़ लेते हैं, फिर ये एक लाइन रेजोल्यूशन पास किया जाता है कि ये बात हम हाई कमांड पे छोड़ते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी डिसाइड करती हैं। 2005 में भजन लाल जी के बारे में सब कह रहे थे मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन बन गए कौन? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो 2024 हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। 2024 में जो हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी जिसका नाम लेंगे, सब मोहर लगा देंगे उस। तो बीजेपी ने जैसे ओबीसी कार्ड खेल के सीएम बार बार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन तो ओबीसी के लिए किया क्या है उन्होंने? नहीं तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को कोई ओबीसी कैंडिडेट को सीएम के चेहरे के तौर पे पेश कर देना चाहिए था? नहीं नहीं, देखो ऐसा है कि हम ओबीसी को महत्व दे रहे हैं, हम जैसे क्रीमी लेयर को बढ़ा रहे हैं, जाति जनगणना कराएंगे और शेड्यूल 9 में लेके आना चाहिए इनको। जब आपने 10% बढ़ा दिया आपने, तो इंदिरा गांधी जो केस है उसको तो आपने ऑलरेडी वायलेट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 10% उनकी जो है आरक्षण मान लिया जो स्वर्ण जाति के लोग हैं। लेकिन जब जो बिहार में हुआ है, बिहार के अंदर शेड्यूल 9 में नहीं डाला था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो उन्होंने आरक्षण बढ़ाया था उसका डाउन कर दिया। अब नीतीश कुमार जी की बैसाखी पर बैठे हैं मोदी जी, एक तरफ नायडू की हैं और दोनों पलटू राम हैं, जिस दिन पलट जाएंगे सरकार गिर जाएगी। और इस बात का कोई भरोसा नहीं है कि कब सरकार इनकी गिर जाएगी। और एक महीने बाद 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी और आप देखिए हम आपको काम करके दिखाएंगे। जैसे हमने तब भी काम का आपकी सरकार कितना करती है, लेकिन जो भी नेता होता है, जो भी राजनीति में आता है, हर किसी का ये सपना होता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। कैप्टन साहब का कभी ये सपना नहीं रहा? नहीं, ऐसा है कि मेरा 2009 में मेरे को मौका मिल रहा था, लेकिन हमारे पास पूरी मेजोरिटी नहीं थी और इंडिपेंडेंट 5 भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पास थे और 5 हजका वाले उनके पास चले गए थे क्योंकि वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे। तो मुझे मौका मिल रहा था, लेकिन क्योंकि बहुमत नहीं था इसलिए वो बन गए। तो ये तो अगर खट्टर साहब बन सकते हैं, नायब सिंह सैनी बन सकता है, कोई भी विधायक मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन आप तो चुनाव ही अब लोकसभा का लड़ना चाहते हैं, विधानसभा का चुनाव आपने लड़ा भी नहीं इस बारी, तो मैं तो कह ही नहीं रहा मैंने मुख्यमंत्री बनना है। तो वही तो मेरा सवाल है, आपका मन नहीं है बस अब नहीं मुख्यमंत्री नहीं, अब देश की राजनीति करना चाहते हैं? मैं पार्टी संगठन में काम करूँगा। अच्छा, मैं राष्ट्रीय ओबीसी का चेयरमैन हूँ। ओबीसी का अभी इसके बाद झारखंड में चुनाव होंगे, महाराष्ट्र में चुनाव होंगे, मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ जाके काम करूँगा 8 अक्टूबर के बाद जो भी घोषणा होगी। अभी पीछे मैं पूना गया था, औरंगाबाद गया था, अहमदनगर गया था, वहाँ पर जाके हमने पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन किए हमने महाराष्ट्र में, और हरियाणा में हमने 9 किए। अभी झारखंड जाऊँगा मैं, क्योंकि 2 राज्यों में हमारे चुनाव हैं, झारखंड में और महाराष्ट्र में, वहाँ जाके काम करेंगे। बीजेपी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है, अपने ट्विटर हैंडल से चैलेंज किया जा रहा है कि कुमारी शैलजा को सीएम कैंडिडेट घोषित करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी आकांक्षाएं हैं और सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छे सपने देखने चाहिए,
उसमें बुराई क्या है? और पॉजिटिव बात सोचे ना आदमी, नेगेटिव बात क्यों सोचे? वो भी सीनियर लीडर है, वो भी जो सोच सकती हैं इसके बारे में। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सीनियर आदमी है, और भी बहुत सीनियर लोग हैं। तो जो समय का जो चक्र है वो सत्ता को लेके आता है। अब समय का चक्र किसके हक में जाएगा वो समय बताएगा। 8 अक्टूबर को ही मालूम होगा कि सबसे ज़्यादा विधायक किसके जीत के पहुँचेंगे। नहीं, वो देखिए विधायकों की राय ली जाएगी, वो बताएंगे कि हम किसको चाहते हैं। फिर अल्टीमेट जो आखिरी फैसला तो हाईकमान करेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए ये बार बार कहा जा रहा है कि दीपेंद्र को सेट करने की कोशिश वो कर रहे हैं। अभी जो यात्रा भी दीपेंद्र की तरफ से की जा रही है, पैदल मार्च उनकी तरफ से निकाले जा रहे हैं, उससे भी ये कोशिश है कि चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट के तौर पर उनको फिट करने की। नहीं नहीं, कोई चीफ ऐसी तो कोई बात नहीं है। जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, मुझे लगता नहीं है कि उनके बेटे को कोई इस तरह के प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वो तो एमपी हैं, तो उनका स्टेट में कोई ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है? इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं, इन्वॉल्वमेंट तो उनका, क्योंकि वो मतलब यंग है। सीएम रेस में, सीएम रेस में तो अभी तो मैंने तो कोई बात ऐसी सुनी नहीं है कहीं। चर्चा में भी ऐसी बात नहीं आई कि वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। हुड्डा साहब ने कहा कि हमारी सरकार आएगी, 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे, उस फॉर्मूला के बारे में कोई जिक्र हुआ क्या सीसी की बैठक में या पार्टी की? देखो जी, ये जो फैसला जो होता है, कितने डिप्टी सीएम बनेंगे, कितने मिनिस्टर बनेंगे, उसकी अप्रूवल हाई कमान से ली जाती है। तो कोई चर्चा हुई? वही मेरा सवाल था कि कोई चर्चा हुई पार्टी ऐसी? पार्टी आला कमान जो हमारी मीटिंग्स हुई हैं उसमें तो कोई चर्चा नहीं थी। अब हरियाणा छोटा सा तो हरियाणा है, इसमें देखो डिप्टी सीएम कोई पोस्ट नहीं होती है, ही इज जस्ट लाइक ए मिनिस्टर। तो आप 4 बनाओ चाहे 6 बना लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? पावर तो आप देखो जी, कैबिनेट में सब इक्वल होते हैं। इवन दी चीफ मिनिस्टर इज वन ऑफ अस, वो ओवर रूल कर सकते हैं, लेकिन कैबिनेट के अंदर सभी मेंबरों की बराबर की, जैसे ट्रस्ट बनता है, हर ट्रस्टी की पावर बराबर होती है, उसी प्रकार से जो ट्रस्ट का प्रेसिडेंट होता है उसकी कुछ एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं। इसी तरीके से चीफ मिनिस्टर की थोड़ी कुछ ऐसी बात ही वो ओवर रूल कर सकते हैं। तो आपको लगता है सरकार बने, जैसे कि आप कह रहे हैं 70 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नंबर बड़ा कांग्रेस पार्टी लेकर सरकार बनाने जा रही है, तो ये फॉर्मूला अगर अप्लाई हो तो चिरंजीव को डिप्टी सीएम की कुर्सी पे बिठाना चाहिए पार्टी को? नहीं, अगर बनाते हैं तो मुझे तो बहुत खुशी होगी। अगर मेरा जो है बच्चा जो है, अगर वो इतनी तरक्की कर रहा है और अगर पार्टी उसको मौका देती है, तो मेरे लिए तो एक पिता के लिए अपना पुत्र जो है अगर ज़िंदगी में तरक्की करता है और आगे बढ़ता है तो उसमें मुझे तो अच्छा लगेगा। तो खुश हैं आप, मतलब आप उसके लिए आप पक्ष रखेंगे क्या? मैं लॉबिंग नहीं करूँगा, मैं लॉबिंग किस लिए करूँगा? उसका काम लॉबिंग करेगा, वो प्रदेश यूथ कांग्रेस का प्रेजिडेंट रहा है, वो NSY से शुरू की उसने राजनीति, फिर वो NSY में जनरल सेक्रेटरी बना, यूथ कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी बना, फिर प्रदेश यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना, उसके बाद IOIC के अंदर सेक्रेटरी बना, अभी AICC के अंदर सेक्रेटरी है, और MLA बना, पहली दफ़ा लड़ा MLA बन गया, अब दूसरी दफ़ा MLA बन रहा है। मैं तो पहले बन जाएंगे, दूसरी बारी भी आप आश्वस्त हैं? देखिए हालात तो बता रहे हैं कि वो बन जाएंगे। अच्छा। लेकिन इलेक्शन तो इलेक्शन होता है, हम इलेक्शन को ढंग से लड़ेंगे, पूरे तरीके से इलेक्शन को लड़ेंगे, जिससे कि जो है हम इसको स्लैकनेस नहीं लाएंगे। हम पूरी मैं जब भी इलेक्शन लड़ता हूँ ये सोच के लड़ता हूँ जैसे मैं हार रहा हूँ। अच्छा, उतनी कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस सबसे खराब ही होती। अभी भी जब मेरे 2 प्रोग्राम थे उनको मैं करके पूरा जब यहाँ आया हूँ, आप भी लेट हो गए थे, तो मैंने कहा मेरा वहाँ का प्रोग्राम हो गया था तो प्रोग्राम करके आया मैं, स्लैकनेस नहीं हो सकती। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस पार्टी तो नहीं लेके चल रही है कि हम 70 तो जीत ही रहे हैं, कोई नहीं रोक सकता हमें सरकार? देखिए कि हर कोई जो भी चुनाव लड़ता है, अगर वो ओवर कॉन्फिडेंस में अगर चुनाव लड़ेगा तो परिणाम अच्छे नहीं आते। हर व्यक्ति को ये बूथ लेवल तक अपने बूथ को मजबूत करना पड़ेगा। जिस आदमी का बूथ मजबूत नहीं है वो आगे MLA कैसे बनेगा? जो MLA बने हैं, कहते बूथ कैसे मजबूत करेंगे आप? हमारे पास बूथ तक कार्यकर्ता हैं, पन्ना प्रमुख हैं, त्रिदेव हैं, और संगठन इतना बड़ा, बिना संगठन के कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, सब फ्लॉप।
नहीं, 400 पार की बात ही करते थे, 400 पार की बात करते थे, तो ये 240 पे कैसे आ गए जब इनके पन्ना प्रमुख थे, सब पन्ना प्रमुख धरे रह गए। झारखंड में क्या हुआ इनके साथ, हिमाचल में क्या हुआ, वहाँ भी पन्ना प्रमुख थे इनके, कर्नाटका में क्या हाल हुआ इनका, और महाराष्ट्र में अभी कितनी बुरी तरीके से हारे हैं एमपी के चुनाव में। ये पन्ना प्रमुख वगैरह सब एक तरफ, उनके पन्ना प्रमुख ही हमारे पन्ना प्रमुख बन जाएंगे। हाँ, तो मतलब इतने कॉन्फिडेंस में, हाँ हमारे यहाँ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके पन्ना प्रमुख हमारे पास आ गए हैं। अच्छा, हाँ मतलब आप आपके पन्ने संभालेंगे बीजेपी के पन्ना प्रमुख? बिल्कुल, हमारा पन्ना संभालेंगे। तो मतलब संगठन ना होना आप कह रहे हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इस बार जनता खुद चुनाव लड़ रही है कांग्रेस पार्टी के लिए। देखिए ऐसा है, हरियाणा में लोग चुनाव लड़ रहे हैं, महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, फैमिली कार्ड है, ये हम सब ये प्रॉपर्टी आईडी और ये फैमिली आईडी सब समाप्त कर देंगे। तो इतने अगर आश्वस्त हैं और बिल्कुल आपके लिए केक वॉक है चुनाव, तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने के लिए क्यों विचार कर रही थी, क्यों लगातार नेगोशिएशन? नहीं नहीं, देखिए एक इंडिया अलायंस, एक अलायंस बना है। सीटें वो ज़्यादा मांग रहे थे। अच्छा, कितनी सीटें मांग रहे थे? जो मुझे पता लगा है वो 10 करीब सीट मांग रहे थे। अच्छा, 10 ज़्यादा है। तो और आप जानते हैं पर तो मान भी गए थे शायद, मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी है, छह तक राजी हो गए थे कि ठीक है 6 भी दे दीजिए तो चल जाएगा। नहीं, मुझे तो लगता नहीं है ऐसा कुछ, कोई मेरे से, क्योंकि मेरे सामने डिस्कशन कोई नहीं हुआ। ओके, मैं उस डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन जहाँ तक मुझे पता लगा है 5 तक तो हमारी पार्टी तैयार थी देने के लिए, लेकिन वो जो है वाजिद थे कि हमें 10 टिकट दी जाए। ओके, और जिन सीटों को वो मांग रहे थे उन सीटों पे हमारे मजबूत कैंडिडेट थे। देखा गुड़गांव, फरीदाबाद, जींद, आप बताइए जहाँ हमारे मजबूत कैंडिडेट्स हैं उन सीटों को हम कैसे दे दें? अब जब सारे सीटों पर अपने उम्मीदवार आम आदमी पार्टी उतारने जा रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात, नुकसान होगा? नुकसान क्यों होगा, हमें फायदा होगा। जो वोटों का बिखराव होगा, जितना बिखराव होगा उतना ही जो है, क्योंकि जनता चुनाव लड़ रही है, जनता त्रस्त है, ना शिक्षा है, ना चिकित्सा है, बेरोजगारी है, तो महंगाई है। आम आदमी पार्टी तो अपना शिक्षा चिकित्सा का मॉडल लेके ग्राउंड पे जा रही है ना, कि हमें वोट देंगे तो हम दिल्ली जैसे बढ़िया हालात कर देंगे। दिल्ली में तो उनके हालात कैसे बिगड़े थे अभी लोकसभा में, बल्कि हमें भी साथ दे डूबे। इसीलिए आप लोग चाह रहे थे कि गठबंधन नहीं हो, हरियाणा वाले तो यही चाह रहे थे कि नहीं होना चाहिए। देखिए मेरा पहला रिएक्शन ये था कि इनके साथ अलायंस हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन हाईकमान अगर चाहेगी तो हम मान जाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी अगर खड़े करती है अपने उम्मीदवार तो हमें फायदा ही फायदा है। फायदा है आपको? हाँ, बीजेपी अभी के लिए हमें फायदा होगा, वोट काटेंगे तो किसकी काटेंगे, वोट शहरी वोट काटेंगे ना, शहरी वोट काटेंगे। आम आदमी पार्टी का शहरों पे पकड़ है ज्यादा। हाँ, तो शहरी वोट काटेंगे, नुकसान किसका करेंगे? हम ग्रामीण क्षेत्र में भी मजबूत हैं और शहर में हम मुकाबला कर रहे हैं, वहाँ अगर थोड़ा अगर हमें 1,000-2,000 का अगर वो फायदा कर देते हैं तो 4,000 का हमें मदद हुआ थी। तो आप गठबंधन के पक्ष में नहीं थे, ऊपर वाले थे, तो ऊपर वालों को कैसे कन्विंस किया, क्योंकि ऊपर से ही कह दिया कि आप देखिए पॉसिबिलिटीज। देखिए जी ऐसा है कि मैं तो ना तो मेरे से किसी ने पूछा, अच्छा, कि भाई इसमें जो है आपने वो करना है इसके बारे में, वो हाई लेवल पे कोई बातचीत चल रही थी, उसके बारे में मैं कैसे कह सकता हूँ क्या परिणाम थे, क्या कारण था, मुझे कोई नॉलेज नहीं है। प्रभारी आपके दीपक बाबरिया साहब, क्या इतनी परेशानी उन्होंने अपने दिल पे ले ली कि इतना स्ट्रेस्ड आउट हो गए? नहीं, उनको असल में वो दवाइयाँ काफ़ी ले रहे थे, मैं देखा था दवाइयों को पूरा एक रखते साथ उनको कोई प्रॉब्लम, पीछे भी प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो हेल्थ वाइज वो ठीक नहीं थे। अच्छा, प्लस फिर लोगों का जो इतना प्रेशर हमने देखा उस दिन, दो दिन पहले भी एक वीडियो आई जिसमें हाथ जोड़ रहे हैं, बहुत ही इमोशनल नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं इतना ही मिस कर पाया आप लोगों के लिए। अब मैं उनके बारे में कोई भी बात टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा, वो कहते हैं जैसा जैसी करनी वैसी भरनी। तो मतलब टिकटें पूरी तरीके से काबिलियत पर तो नहीं बटी? मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ, अभी अभी विधानसभा की तो अभी लिस्ट आई नहीं ना पूरी। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी लोकसभा में जो हुआ ये उस सब का खामियाजा या उस सब की प्रॉब्लम की वजह से वो चीज़ फेस कर रहे हैं? नहीं देखिए, आप हमारी कम से कम 8 सीट आनी थी। तो टिकटें गलत प्रभारी जी ने बटवाई, बुद्धि राजा को खड़ा कर दिया मुख्यमंत्री के मुकाबले में।
किसको खड़ा करना चाहिए था? ये तो सारी जनता जानती है अच्छे उम्मीदवार कौन थे। पंजाबी में था बुल्ले शाह था, कुलदीप शर्मा थे, अशोक अरोड़ा था, उनको लड़ा दिया होता। तो जानबूझ के मतलब कांग्रेस पार्टी ने फ्रेंडली मैच नहीं, नहीं नहीं ये मैं नहीं कह रहा जानबूझ के, बट ये तो ये जिसने भी फैसला लिया है वो गलत फैसला था। तो अभी क्या कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पर कांग्रेस पार्टी एज अ होल सफल रहेगी? बिल्कुल, मिलके लड़ेंगे चुनाव। हम देख रहे हैं बहुत सारे दागी चेहरे, जैसा मैंने जिक्र किया, कुछ गैंगस्टर्स से भी कुछ लोगों का लेना देना रहा, उनकी फोटोज खूब वायरल हुई, आपकी पार्टी में ज्वाइनिंग कर रहे हैं और टिकट की गारंटी के साथ आ रहे हैं ये बताया जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिन पे FIR दर्ज है, कई किस्म के FIR दर्ज है, डिटेल्स आपको मिल जाएंगी आप जब आप देखें प्रोफाइल देखें, की मिल ही जाएगी। लेकिन गैंगस्टर्स को साथ लेकर चलना क्या वो तो आप एक एक आदमी का बता रहे हैं, सिर्फ एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं आप, और मैं समझ रहा हूँ जिसकी आप बात कर रहे हैं उससे ये थोड़ी ना कि पूरी पार्टी जो है वो गैंगस्टर्स को, कई दफ़ा फोटो हम लोग खड़े हो रहते हैं साथ हमारे और फोटो खिंचवा लेते हैं और वो बाद में पता लगता है गैंगस्टर था। अच्छा, ऐसा तो हो सकता है। तो बेनिफिट ऑफ डाउट इस बात में आप देने की कोशिश। बेनिफिट डाउट है जी। बीजेपी वाले कह रहे हैं राहुल गांधी सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है, कांग्रेस हरियाणा कांग्रेस के लिए 2 मीटिंग करके बाहर चले गए और टिकटें 90 फाइनल भी नहीं कर पाए। सब कुछ करके गए हैं, टिकटों का फाइनल ऑलमोस्ट फाइनल है, घोषणा कर रही है। बस आप घोषणा इसीलिए नहीं कर रहे हैं ताकि बच जाएं बगावत से? नहीं, ये पता नहीं है, तो आपकी सोच होगी, हमारी तो सोच नहीं है ऐसी। आपकी सोच डर नहीं लग रहा है? बीजेपी का हाल देख गए, क्यों डर लग रहा है? हमें हमें किसी बात पार्टी ने बहुत सबक ले लिया है, हमें किसी बात का डर नहीं है। हम तो अपने आराम से इंतजार कर रहे हैं जी और अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा कि लिस्ट देंगे ही नहीं, बस जिसको टिकट देनी है उसको चुपके से कह देंगे जाओ जाके? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बकायदा लिस्ट निकलेगी, लास्ट तक छोड़ेंगे नहीं कार्यकर्ताओं की उम्मीदें ताकि बंधी रहे आप लोगों के साथ? नहीं नहीं, देखो उम्मीद तो हमेशा बंधी रहनी चाहिए, जिनकी टूटेगी तो उनको मना लेंगे, उम्मीद के ऊपर ही सब कुछ बैठता है। जिन नेताओं की उम्मीदें टूटेंगी उनको मना लेंगे, समय बताएगा। बीजेपी वाले नेता तो बहुत रो रहे थे, आपने वीडियोस देखे होंगे। तो अब हमारे यहाँ की कांग्रेस बहुत मजबूत है, रोने वाले नहीं है, रोएंगे नहीं, सीधा चले जाएंगे कि भाई हम जा रहे हैं, बाय बाय। नहीं पता नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, तो आप कह रहे हो मेरे बीजेपी वाले भी इस बात को लेके आश्वस्त थे, कह रहे हमारी बहुत ही डिसिप्लिन पार्टी है, हमारे लोग कहीं जाने वाले नहीं। बीजेपी की अगर डिसिप्लिन पार्टी होती तो इस तरह की बगावत कभी होती क्या? अब जो है मेरी तो बीजेपी की बगावत से कांग्रेस को तो डर नहीं लगा, RSS वालों ने भी अपना पल्ला झाड़ दिया था बीजेपी से, और नड्डा साहब ने ये कह दिया था हमें RSS की कोई जरूरत नहीं है, और अभी RSS वाले जो है पूरी मौज उन्होंने मनाई, 5 साल तक खूब उन्होंने पैसा कमाया। अब जब हालात खराब हो गए तो RSS जो है ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री तक उन्होंने टिप्पणी कर दी भागवत जी ने कि किसी व्यक्ति को जो है अपनी इमेज को जो है इतनी बड़ी नहीं बनानी चाहिए जो कि जो है उससे ऊपर हो। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, बीजेपी में जो बगावत हुई टिकट वितरण के बाद, कांग्रेस को उससे डर तो नहीं कि भाई हमारे साथ? हम डरने वाले व्यक्ति नहीं है, हम मजबूत लोग हैं, देश को आज़ाद करने में हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी, देश को आज़ाद करवाया हमने, हम किस बात से डरने वाले हैं? कुमारी शैलजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गुटबाजी से कोई डर है, कोई परेशानी है? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है, नहीं हेल्दी डिस्कशन होता है हेल्दी, और डेमोक्रेसी में तो पॉलिटिकल डिफरेंसेस होने चाहिए, मेरे भी रहे हैं कई बार। आपको भी मजा आ रहा है देख के कि भाई ठीक है बढ़िया है जो मतलब पार्टी में चल रहा है? पॉलिटिकल डिफरेंसेस मेरे भी कई बार कई लोगों से हैं और वो होने भी चाहिए सबके, हमारी जो है बेसिक जो हमारी सेकुलरिज्म की और हमारी नेता एक हैं, हमारा झंडा एक है, हमारी पार्टी का संविधान एक है, उसमें सब एक है, बाकी नीचे लेवल पे थोड़ा बहुत चलता ही रहता है। अगर सबके विजनरी आपको हरियाणा के लिए कौन लगता है, हुड्डा साहब या कुमारी शैलजा? देखिए ये तो आप ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं जिसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ, जनता जवाब देगी उसका। आप नहीं दे सकते? नहीं, मतलब ज्यादा विजनरी पर्सनल फेवरेट कुछ ऐसा नहीं, आप आपके लिए दोनों बराबर है? नहीं नहीं, देखिए हर आदमी की अपनी अपनी योग्यताएं होती हैं, दोनों योग्य हैं। ज्यादा योग्य कौन है? आप फिर दोबारा मुझे किसी जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं नहीं, हम बिल्कुल जाल में फंसाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे को
आप मुझे समझते हैं, राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, आपसे से जानते हैं कि क्या बोलना है, कितना बोलना है। हाँ तो इसलिए इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, इसलिए मेरा ये कहना कि कौन काबिल है कौन नाकाबिल है ये कहना हेल्दी डेमोक्रेसी नहीं है। मतलब सीएम में चलिए, इतना तो बता दीजिए, सीएम किसी को भी पार्टी बनाए, दोनों में से भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कुमारी शैलजा या जिसको, कोई तीसरा जिसको नेता? विधायक चाहेंगे, हाई कमांड मंजूरी देगी उसको हम। तो कैप्टन अजय यादव उसके साथ बिल्कुल दिल खोल के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और बढ़िया काम करवाएंगे। मैं तो पार्टी के साथ हूँ, मैं खड़गे जी और सोनिया गांधी राहुल गांधी जी का सिपाही, मैं किसी इंडिविजुअल के साथ नहीं हूँ, मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ, मैं केवल पार्टी की जो मेन मुख्य धारा है उसके साथ चलता हूँ। रेवाड़ी से जो बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी टक्कर मांगते हैं उनसे? देखिए कभी चुनाव को हल्का नहीं समझना चाहिए और कभी भी किसी कैंडिडेट को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अब जैसे ये नया आया है, अब हमें तो नहीं पता ना इसकी वीकनेस क्या है, इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। इतना जरूर पता है कि कोसली में इनको जो है बगावत का वहाँ पर करना पड़ा, कई जगह इनका घेराव किया, गांव में घुसने नहीं दिया, सेक्टर 4 में रहते थे, यहाँ सेक्टर 4 का कॉमन सेंटर गिरने को हो रहा है, वहाँ सीनियर सिटीजन का क्लब था वो गिरने को हो रहा है, वहाँ का स्कूल जो है सेक्टर 4 का वो गिरने को हो रहा है, खाली पड़ा हुआ है, सड़कें वहाँ की सारी टूटी पड़ी हैं। उनके बाद लोग जाते थे कि साहब ये काम नहीं हो रहा, मेरा हल्का नहीं है भाई, तो अब वोट मांगने कैसे आ रहे हैं रेवाड़ी के लोगों से? तो मतलब हल्का बदल लेना और अपने हल्के में नेगेटिव इमेज होना, इसका पूरा पूरा फायदा चिरंजीव को मिलने जा रहा है। चिरंजीव को तो इसलिए मिलेगा कि उसका काम बोलेगा, जो विधानसभा में, जो विधानसभा में आवाज उठाई बीजेपी की सरकार ने सुनी ही नहीं। विधानसभा के अंदर विपक्ष का काम यही है कि सरकार की नाकामियां को बताना, सरकार ने क्या, अभी जो है जिस तरह उसने एक जगह खड्डा हो गया था NH 71 के नीचे, पुल के नीचे, तो वहाँ जाकर उसने पौधा लगा दिया, उसका एक मैसेज गया, ठीक है ना, कोविड में, कोविड में कोविड की ड्रेस पहन के कोविड के उसमें चला गया। तो जो काम विपक्ष का होता है, स्प्रे हमने उसने किया, मैंने उसने स्प्रे किया, यानी कि जो ये जो एंटी कोविड जो सोल्यूशन लेके हमने स्प्रे किया जगह जगह जाके, आप ये मेक श्योर करेंगे कि आपकी सरकार जो आप कह रहे हैं बनने ही जा रही है कांग्रेस पार्टी की भारी बहुमत के साथ, तो कम से कम जो विपक्ष वाले विधायक आएंगे या दूसरे विधायक होंगे जो आपकी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते होंगे या बीजेपी के होंगे या निर्दलीय होंगे या किसी और पार्टी के होंगे, तो उनसे कुछ फायदा आप लोगों को, मतलब उनको, उनके भी काम वाम करेंगे आप लोग? नहीं, क्यों नहीं करेंगे, काम करने चाहिए, बीजेपी ने तो नहीं किया ना। देखो जी ऐसा है, कभी भी मेरा एक चीज मेरा मानना है कि विधायक एक इंस्टीट्यूशन है, उसकी बात को सुनना चाहिए, उसकी बात को मानना चाहिए। अगर कोई बात मांग उठाता है हाउस के अंदर, तो उसकी बात के ऊपर सरकार को तवज्जो देनी चाहिए। आप मेक श्योर करेंगे कि कांग्रेस की सरकार कम से कम दूसरे विधायकों के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी? बिल्कुल ना, बिल्कुल नहीं होने देंगे नाइंसाफी। जो भी विधायक चुन के आएगा उसको विधायक के रूप में उसका पूरा उसको जो है मान सम्मान दिया जाएगा, काम करवाएंगे जी। चलिए बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपके साथ। देखते हैं 8 अक्टूबर को किसकी सरकार हरियाणा के लोग बनवाने जा रहे हैं, और आप जो दावा कर रहे हैं जिस नंबर का, हालांकि जब पूरी लिस्टें आ जाएगी तब करेंगे, वो कितना मैच करता है एक्चुअल रिजल्ट से आपको बता देंगे हम। बिल्कुल देखेंगे, और हमारे तमाम दर्शक भी वो नंबर अपने जहन में ज़रूर रखेंगे जो कैप्टन साहब बताएंगे। जब तमाम पार्टियों की लिस्ट आ जाएगी, तमाम उम्मीदवार, हालांकि कांग्रेस की ही एक जो बड़ी लिस्ट है वो भी पेंडिंग है, धीरे धीरे करके बाकी के जो कैंडिडेट हैं उनको उतारा जाएगा। हालांकि अब नामांकन में बेहद कम समय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी फिर भी कोई जल्दी में नहीं है कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में उतारने के लिए, पूरा समय लेना चाहते हैं और ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि जो भी नाराज़ हों या जो भी उम्मीदवार दूसरे थे जो टिकट मांग रहे थे उनको टिकट पार्टी नहीं देती है, तो उनके पास मौका नहीं हो कहीं भी बाहर जाने का या विरोध करने का या किसी भी तरीके से नामांकन भरने का। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी तो
तैयारी कर रही है 8 अक्टूबर को सरकार बनाने की, लेकिन क्या आपकी तैयारी है, क्या आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि वाकई में कांग्रेस पार्टी इस बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है? आपका कुछ और विचार है, कुछ और प्लान है और वोटर्स के दिल में कुछ और है? ये तमाम चीज़ें आप पर, लेकिन कैप्टन साहब ने तमाम बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दिए और ये बता दिया कि जो बीजेपी की सरकार से हरियाणा के लोग जिस तरीके से परेशान हैं, अब उस सरकार को बाहर का रास्ता लोग दिखाने जा रहे हैं और 8 अक्टूबर को भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही है। साथ ही आश्वस्त हैं चिरंजीव राव की जीत को लेकर भी, और साफ तौर पे कह रहे हैं कि चिरंजीव ने जिस तरीके से हलके की आवाज़ को उठाया और उससे वाकई लोग खुश हैं, और अगर पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी चिरंजीव को देती है तो कैप्टन साहब से ज़्यादा खुश उसके लिए कोई नहीं होगा, क्योंकि एक पिता को तो जाहिर सी बात है खुशी होती है जब उनका बेटा तरक्की करता है। तो अब आप कितना आशीर्वाद देते हैं, क्या करते हैं, ये आप पर है। लेकिन फिलहाल मेरे साथ चुनावी स्टूडियो से इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।